अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कोरियन क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी और इसके बेनिफिट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ये क्रीम यूज़ की है और मैं अपने हिसाब से जैसे मुझे इसका रिज़ल्ट लगा है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ईद के लिए ये प्रोडक्ट स्पेशल कैसे हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं और जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। कोरियन जो लोग हैं वो इस क्रीम को ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि जिस क्रीम को कोरियन यूज़ करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा होता है। तो सस्पेंस ख़त्म करते हैं और मैं बात कर रही हूँ बायो अक्वा V7 टोनिंग क्रीम की। ये क्रीम जो है कोरियन लोग काफ़ी यूज़ करते हैं, ये बाहर की है, ज़ाहरी बात है पाकिस्तान की नहीं है, तो इसका रिज़ल्ट काफ़ी जो है अच्छा है। लेकिन काफ़ी लोगों ने जो इसका रिव्यू किया है या मैंने देखा है कि शेयर किया है तो वो इसका सही तरीके से, इस हिसाब से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि ये पर्सनली मैंने क्रीम यूज़ की है तो उसमें जो बताया जाता है कि इसकी जो ये ख़ास करके वाइटनिंग के लिए यूज़ की जाती है और बस आप लगाएंगे तो चंद दिनों में आपकी स्किन वाइट होगी, चकाचक चमकदार हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्रीम बेस्ट है, लेकिन इस हिसाब से जैसे हम बीबी क्रीम, सीसी क्रीम यूज़ करते हैं तो वो हम यूज़ ना करें, घर से बाहर आए जाएँ, तो इस हिसाब से इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। जैसे आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो आप मेकअप इतना ना लगाना चाहें बाहर आने जाने में तो आप ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जल्दी आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाती है और काफ़ी अच्छा जो है टेक्सचर है इस क्रीम का और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट इस हिसाब से है कि आप अपना मेकअप से पहले जब बेस बनाएं तभी भी आप ये अपने फेस पे अप्लाई करें, अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाती है। और कोई भी अगर मेकअप ना भी लगाना चाहें तो भी चलेगा, अगर सिंपली आपने ये अप्लाई कर ली क्रीम और काजल और लिपस्टिक लगा के आप आराम से गर्मियों के सीज़न में बाहर जा सकते हैं, फ्रेश लुक आ जाएगा और एक टोन स्किन आपकी जो है लाइट दिखेगी, ब्राइट लुक दिखेगी और अच्छा लुक लगेगा। तो एक दो टोन आपकी स्किन जो है बढ़ जाएगी, वाइटनिंग की तरफ हो जाएगी, तो आपका कलर निखरा निखरा लगेगा और जैसे बस आपका चेहरा चांद की तरह चमकेगा। लेकिन मैं ये आपको नहीं कहूँगी कि ये वाइटनिंग के लिए फास्ट है, आप लगाएंगे और इंस्टेंटली आपको ग्लो मिलेगा, लेकिन ये ग्लो की तरह ही है, लेकिन जो है आप लगाएंगे तो मेकअप के हिसाब से ये काफ़ी बेस्ट है। तो मैंने ईद के लिए स्पेशली से इसलिए कहा कि आप गर्मियों में ज़ाहरी बात में मेकअप लगाते हैं, ईद के बड़े मौके होते हैं, ख़ास दिन होता है, तो हम उस पर ज़्यादा बेस्ट दिखना चाहते हैं, हमारी स्किन अच्छी लगे, हमारा लुक अच्छा लगे, हमारे फेस पर मेकअप अच्छे से लगे और उसे अच्छे तरीके से हम अप्लाई करें, फेस खूबसूरत दिखे, तो इस हिसाब से काफ़ी हद तक ये बेस्ट है। इंस्टेंट वाइट स्किन हो जाएगी, ये जो इस पर लिखा है इसका मतलब यही है कि आप लगाएंगे तो उसी टाइम आपकी स्किन पे इसका जो है वाइटनेस का इफ़ेक्ट आ जाएगा और आपकी स्किन वाइट लगेगी, खूबसूरत लुक दिखेगा और आप प्यारे दिखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ऐसी नहीं है जैसे हम वाइटनिंग क्रीम यूज़ करते हैं, श्रिंक पोर्स हो सकता है करें, लेकिन ये जो है मुझे नज़र नहीं आया है इसमें, रिड्यूस एक्नी ये प्रोसेस भी मुझे इसका नज़र नहीं आया, कंट्रोल हाइपर पिगमेंटेशन ये भी इस पर लिखा हुआ है लेकिन इसके बारे में मैं नहीं कह सकती, और इम्प्रूव स्किन टोन ये मैं कह सकती हूँ, इंस्टेंटली वाइट स्किन हो जाएगी ये मैं कह सकती हूँ। तो 5 में से 2 चीज़ें तो मैं कह सकती हूँ लेकिन 3 के बारे में जो है मैं नहीं कह सकती। मैंने ये यूज़ किया है तो इस हिसाब से ये बेस्ट है, लें ईद के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है, मेकअप यूज़ करने के हिसाब से बेस्ट है और आप जो घर पे रहें, खूबसूरत स्किन दिखाएं, आप अपनी जो लुक आपका बेस्ट लगे, फेस अच्छा लगे, उस हिसाब से घर से आते जाते हैं, किसी भी जो है हिसाब से आप अपना मेकअप लुक देखना चाहते हैं, फेस पे हल्का हल्का सा मेकअप लगाना चाहते हैं ताकि आपका चेहरा जो है वाइट दिखे, खूबसूरत दिखे, तो उस हिसाब से ये काफ़ी बेस्ट है। प्राइस भी मुनासिब है, 300-400 तक ये आपको आसानी से मिल जाती है और अच्छी क्रीम है, इस हिसाब से काफ़ी इसका बेस्ट रिज़ल्ट है। तो मुझे जो पर्सनली लगा मैंने आपके साथ शेयर किया, बाकी जो है मैं भी ये कह सकती थी कि इंस्टेंटली वाइट है, श्रिंक करती है आपके पोर्स को, रिड्यूस होती है, इससे आपके एक्नी कंट्रोल होगी, हाइपर पिगमेंटेशन इम्प्रूव होगी, स्किन टोन और फ्ला फ्ला फ्ला।
लेकिन ये मैं नहीं कह सकती क्योंकि मुझे यही लगा है कि ये आपकी जो है स्किन पे अप्लाई करने के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। तो आप ये मेकअप के हिसाब से ज़रूर लें और इंस्टेंट वाइटनिंग हासिल करने के लिए ज़रूर लें, यूज़ करें। इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं कहूँगी कि कोई भी नहीं है, नुकसान नहीं देगी, तकरीबन हर स्किन के हिसाब से ये ठीक है और अच्छा लुक देगी, काफ़ी बेहतरीन है। BBCC क्रीम यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस हिसाब से BBCC क्रीम जो हम यूज़ करते हैं तो कुछ एक्नी के इशू हो जाते हैं, दाने वगैरह निकल आते हैं, क्योंकि मेकअप के हिसाब से ही वो हम यूज़ करते हैं। तो जैसे होता है कि ज़्यादा मेकअप यूज़ करने से स्किन का कलर डल हो जाता है, डार्क मतलब स्किन का जो कलर है डल हो जाता है, हमारे स्किन का कलर टोन जो है वो शेड्स वो ख़राब हो जाती है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगी कि ये आप यूज़ करेंगे तो मेकअप हिसाब से जो स्किन पर नुकसान होते हैं वो इसे नहीं होंगे, अच्छा लुक मिलेगा। और जब ज़्यादा आप इसे यूज़ करेंगे कंटिन्यू समर के हिसाब से तो थोड़ी सी वाइटनिंग आपके फेस पे पहले से ज़रूर आएगी, ब्राइटनेस आएगी, अच्छा और बेहतरीन सा लुक मिलेगा। तो आप ये यूज़ करें और मुझे ज़रूर भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको इससे जो है कैसा लगा, आपने कैसे यूज़ की और पर्सनली आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर न्यू देखने वाले हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।